पीएम मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस पर देश की एकता को ब्रेक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर है ब्रेक करो या फिर ब्रेक लगाओ। और दूसरी ओर कांग्रेस का वर्क कल्चर है ब्रेक करो या तो ब्रेक लगाओ। कांग्रेस देश की एकता को ब्रेक करने में जुटी हुई है और डेवलपमेंट के कामों पर ब्रेक लगाने में लगी हुई है। वहीं चुनाव के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ संविधान के तहत मिले सभी आरक्षण का समर्थन करता है, लोग झूठ फैलाते हैं। संघ वाले बाहर के तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और वहीं मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि पहले रिजर्वेशन का विरोध करते हैं और अब कह रहे हैं कि खिलाफ नहीं। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता।